तो गाइस कल को खेला जाएगा बिग बैश लीग 2020-21 सीजन का 43वां मैच, और ये मैच खेला जाएगा सिडनी थंडर और होबर्ट हरिकेन्स टीम के बीच, और ये मैच खेला जाएगा मनुकावल कैनबरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। इंडियन समय के अनुसार कल दोपहर को 1:45 पे ये मैच शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड के ऊपर 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं बिग बैश लीग 2020 की सीजन के, जिसमें से 3 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती और 6 मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती। तो इसका मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर चेज करना आसान है और पहले बैटिंग करके जीतना थोड़ा सा कठिन है। 30 बनाम बिन आंकड़ों के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आपको बता दें कि टेलीग्राम के ऊपर इस मैच की और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी सिडनी थंडर टीम के सारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन होबर्ट हरिकेन्स टीम के खिलाफ, और होबर्ट हरिकेन्स टीम के सारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन सिडनी थंडर टीम के खिलाफ। अगर आप इस जानकारी को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे पहले कमेंट में। टेलीग्राम के ऊपर जाइए और इस जानकारी को देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर पेस बनाम स्पिन आंकड़ों के बारे में। तो विकेटों के मामले में तो तेज गेंदबाज बेहतर है। स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं, इकोनॉमी रेट की अगर बात करते हैं, तो वहां पे स्पिनर गेंदबाज बेहतर है। तो इसका मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर स्पिनर गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और तेज गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। दोस्तों अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर के बारे में, तो इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर है यहाँ पे 166 रन सबसे बड़ा स्कोर बना, 219 रन सबसे कम स्कोर बना, 80 रन सबसे बड़ा चेज हुआ, 178 रन और सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ जहाँ पे 169 रन। मौसम के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आपको बता दें कि बल्लेबाजी के ऊपर इस मैच की आपको बिल्कुल फ्री एंट्री मिल रही है, यानी कि आपको एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप इस लीग को ज्वाइन करके जीत सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बल्लेबाजी ऐप को करो डाउनलोड। नीचे जाइए वीडियो के नीचे पहले कॉमेंट में आपको मिलेगा लिंक बल्लेबाजी का। डाउनलोड करने के बाद साइनअप करते समय बल्लेबाजी ऐप के ऊपर रेफर कोड इस्तेमाल करो क्रिक स्टार्स, फिर आपको हमारी तरफ से भी ₹50 का बोनस बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर मौसम के बारे में। तो मैच के दिन मौसम रहेगा 29 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक, क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की आशंका नहीं है। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिडनी थंडर टीम के खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सिडनी थंडर टीम के बल्लेबाजों की, बात करते हैं उस्मान ख्वाजा की, बात करते हैं एलेक्स गेल की, बात करते हैं कॉलम फर्गुसन की, बात करते हैं इवन यहां पर बात करते हैं सैम बिलिंग की। तो ऊपर के चार खिलाड़ी बहुत बढ़िया फॉर्म में हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं नीचे एलेक्स रोज की, बात करते हैं बैन कटिंग की, बात करते हैं अच्छे फॉर्म में है, लेकिन ज़्यादा मौके बल्लेबाजी के इनको नहीं मिलते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा गेंदे खेलने के मौके इनको नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं डैनियल सैम्स भी अच्छे फॉर्म में हैं, ऑल राउंडर हैं, नीचे बैटिंग करते हैं, जब मौका मिलता है अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी के बारे में बात करते हैं तो गेंदबाजी में यहाँ पर तनवीर सांगा बहुत अच्छे फॉर्म में है, नैथन मैकेंड्रू बहुत अच्छे फॉर्म में है, क्रिस ग्रीन का मैच विनिंग स्पेल अभी भी आना बाकी है। उसके बाद अगर बात करते हैं डैनियल सैम्स अच्छे फॉर्म में है, और बाकी गेंदबाजों की अगर बात करते हैं यहाँ पर बैन कटिंग भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं लेकिन 4 ओवर पूरे नहीं डालते हैं। सिडनी थंडर टीम के बाद अगर बात कर लेते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम के बारे में, तो यहाँ पर इनके बहुत सारे बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में आपको नजर आएंगे। दार्सी शॉट की बात करते हैं, डेविड मिलान की बात करते हैं, कॉलिन इनग्रम की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं मैक डरमोट की, ये भी खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग टीम डेविड की, ये भी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं पीटर हैंड्सकॉम की, पिछले कुछ मैचों से इस बल्लेबाज का फॉर्म लौटा है और कभी भी इस बल्लेबाज के बल्ले से हमें कोई बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। बल्लेबाजी के बाद अगर बात करते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम की गेंदबाजी के बारे में, तो यहाँ पर रेले नेथन और स्कॉट ब्लांट बहुत अच्छी फॉर्म में है। स्कॉट ब्लांट की अगर बात करते हैं तो अगर इनको कंडीशन मिलती है तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अगर विकेट फ्लैट होती है तो ये स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी महंगे भी रहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं संदीप लामेचाने की, तो ये भी अच्छे फॉर्म में है, पिछले कुछ मुकाबलों में कफैती रहे हैं, कम रन दिए हैं लेकिन विकेटें भी कम ली हैं, तो इनका भी मैच विनिंग स्पेल कभी भी आ सकता है। तो प्लेइंग 11 के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देंगे बिग बैश लीग 2020 की सीजन के हर मैच की जानकारी आपको इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलती है। तो फटाफट चैनल को करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए, फिर आपको मिलेगी हर मैच की जानकारी सबसे पहले। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सिडनी थंडर टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सिडनी थंडर टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से थी पिछले मैच में, और यही प्लेइंग 11 इस मैच में भी होने के आसार हैं। और वहीं अगर बात करते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनकी प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से थी पिछले मैच में, और यही प्लेइंग 11 इस मैच में भी इनकी होने के आसार हैं।
हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आता है होबर्ट हरिकेन्स टीम का, क्योंकि इन्होंने 8 मुकाबले जीते हैं और सिडनी थंडर टीम ने केवल 6 मुकाबले जीते हैं। पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पलड़ा भारी है सिडनी थंडर टीम का, क्योंकि इन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले जीते हैं जहाँ पर होबर्ट हरिकेन्स टीम ने। और जैसे आप जानते हो कि ये मैच खेला जाएगा मनुका वर्ल्ड कैनबरा में, और इस ग्राउंड के ऊपर दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला जा चुका है और वो मुकाबला सिडनी थंडर टीम जीती थी। और उसके साथ में बिग बैश लीग 2020-21 सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला जा चुका है और वो मैच सिडनी थंडर टीम जीती थी। और लास्ट में अगर बात करते हैं बिग बैश लीग 2020-21 सीजन के दोनों टीमों के सफर के बारे में, तो यहाँ पर सिडनी थंडर टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग होबर्ट हरिकेन्स टीम के बारे में, तो इन्होंने 5 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबले हारे हैं। तो चलिए गाइस, ये था इस वीडियो में, किसी और नए वीडियो के साथ करेंगे आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना।